वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे वंडर ऑफ साइंस के बारे में, वंडर ऑफ साइंस पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ एंड पॉइंट फिफ्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं पॉइंट थर्ड में क्या है। मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन देखेंगे जो साइंस की देन है। एंड कम्युनिकेशन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने के साधन है, मोबाइल है और टेलीफोन है, ऐसे साधन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे मेडिकल साइंस, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे मींस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के वो साधन देखेंगे, वो सोर्स देखेंगे जो साइंस की देन है। ये इस वीडियो पार्ट सेकंड वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वंडर ऑफ साइंस के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और इसके अलावा हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड था। यहाँ पे पॉइंट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट थर्ड, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पॉइंट थर्ड स्टार्ट करें इससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमने दो कलर के पेन का यूज किया है। हेडिंग के लिए आप भी ब्लैक कलर के पेन का यूज करें, फिर इसके बाद जब आप लिखना शुरू करें तो सिर्फ आप ब्लू कलर के पेन का यूज किए हैं। यहाँ पे हमने आपको ये बताने के लिए दो कलर के पेन का यूज किया है कि दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊं तो आपको समझ सके कि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से अलग था। तो आइए शुरू करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन, जो हमें साइंस ने ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए साधन दिए हैं, उसके बारे में इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। एंड कम्युनिकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात करने के लिए या जोड़ने के लिए जो साधन दिए हैं, जैसे मोबाइल फोन से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बात कर सकते हैं, ऐसे साधन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साइंस हैज गिवन अस, साइंस हमें दे चुका है, साइंस हैज गिवन अस क्या दे चुका है, मेनी फास्टेस्ट, कई मेनी फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाली मीन साधन दे चुका है। साइंस हैज गिवन अस, साइंस हमें दे चुका है मेनी फास्टेस्ट, कई तेज चलने वाले, सबसे तेज चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन दे चुका है। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। बसेस हैं, कार्स हैं एंड एरोप्लेन, बसेस हैं, कार्स हैं एंड एरोप्लेन हैं, ये ऐसे साधन हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में हमें मदद करते हैं और सबसे तेज गति से चलते हैं। हैव मेड, जिसने बना दिया है इन सारे साधन ने, एरोप्लेन, कार्स एंड बसेस ने बना दिया है। हैव मेड ट्रेवल, हमारी यात्रा को कैसा बना दिया है, इजियर, आसान बना दिया है, सबसे आसान। एंड मोर कंफर्टेबल, और बहुत ज्यादा आरामदायक बना दिया है। नाउडेज, इन समय पर, इन दिनों साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट हैं, हैव रीच्ड, कहां पहुंच चुके हैं, हैव रीच्ड ऑन टू द मून, चांद तक पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। साइंस हैज गिवन अस, साइंस हमें दे चुका है, क्या दे चुका है, मेनी फास्टेस्ट, कई सबसे तेज मींस साधन दे चुका है ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की। साइंस हैज गिवन अस, साइंस ने हमें दे चुका है कई सारे साधन दे चुका है, कैसे, फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के साधन दे चुका है, जो कि हैं बसेस, कार, बसेस हैं, कार्स हैं एंड एरोप्लेन, और एरोप्लेन है। Have made, जिसने बना दिया है, बस, कार एंड एरोप्लेन ने बना दिया है। Have traveled, हमारी यात्रा को कैसा, easier, सबसे आसान, and more comfortable, और बहुत आरामदायक बना दिया है। Nowadays, इन समय पर, इन दिनों साइंटिस्ट, कई सारे साइंटिस्ट have reached, पहुंच चुके हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं, on to the moon, मून तक पहुंच चुके हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे on का यूज किया जा रहा है, जब हम किसी सतह की बात करते हैं, चांद की जो सतह है वहां तक पहुंच चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया है। और आगे चलिए देखते हैं। एंड अनदर प्लेनेट, और दूसरे प्लेनेट में, बाय द स्पेस शटल, बाय द स्पेस शटल, स्पेस शटल के द्वारा साइंटिस्ट आज दूसरे प्लेनेट में भी पहुंच चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की मदद से, वायरलेस, टेलीग्राफी, फैक्स, ईमेल एंड इंटरनेट, इन सभी की मदद से द वर्ल्ड, पूरा विश्व सुरंग सिकुड़ गया है। Into a small village, एक छोटे से गांव जितना, into a small village, एक छोटे से गांव में सिकुड़ गया है। Nowadays, इन दिनों, mobile has changed, mobile बदल चुकी है, the lifestyle of man, आदमी की lifestyle, मानव की lifestyle बदल चुकी है। आइए एक बार फिर से इसे देखते हैं। Moon के बाद उसी sentence को continue रखते हैं, point third पे उसी sentence को continue रखते हुए आगे देख रहे हैं। And another planet, और दूसरे planet पे, दूसरे उपग्रह पे, बाय द स्पेस शटल, अंतरिक्षयान के द्वारा, स्पेस वाहक के द्वारा, स्पेस में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले साधन के द्वारा साइंटिस्ट आज दूसरे प्लेनेट में भी पहुंच चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की मदद से, वायरलेस की मदद से, टेलीग्राफी की हेल्प से, फैक्स की सहायता से, ईमेल की सहायता से एंड इंटरनेट की सहायता से,
द वर्ल्ड पूरा विश्व श्रंक सिकुड़ गया है इन टू अ स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव जितना सिकुड़ गया है नाउ एज इन दिनों मोबाइल है चेंज मोबाइल बदल चुकी है द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन मानव की लाइफ स्टाइल बदल चुकी है नाउ एज इन दिनों मोबाइल है चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन नाउ एज मोबाइल है चेंज मोबाइल बदल चुकी है इन दिनों क्या बदल चुकी है लाइफ स्टाइल ऑफ मैन मानव की लाइफ स्टाइल बदल चुकी है आइए अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे मेडिकल साइंस विज्ञान के क्षेत्र में साइंस का क्या योगदान रहा है इस पे देखेंगे साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू एंड लाइफ सेवर मेडिसिन साइंस हैज गिवन अस साइंस हमें दे चुका है मेनी न्यू कई नई एंड लाइफ सेवर और जीवन बचाने वाली या जीवन रक्षक मेडिसिन दवाइयां जीवन रक्षक दवाइयां दे चुका है दीज कैन क्योर ये ठीक कर सकती हैं एंड प्रिवेंट और सुरक्षित कर सकती हैं मेनी डिजीज से वो कौन कौन सी हो सकती हैं लाइक टीवी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल स्मॉल पॉक्स एंड कैंसर और कैंसर से हैज बीन कंट्रोल्ड इन दवाइयों की मदद से ये बीमारियां कौन कौन सी टीवी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल स्मॉल पॉक्स एंड कैंसर जैसी बीमारियां कंट्रोल की जा रही हैं ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैज बिकम पॉसिबल ओपन हार्ट सर्जरी हार्ट की जो सर्जरी होना संभव हो पाई है वो साइंस की ही देन है एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हार्ट का ट्रांसप्लांट करना हृदय का ट्रांसप्लांट करना हृदय को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना या ले जाना हैज बिकम पॉसिबल संभव हो पाया है ये साइंस की सबसे बड़ी देन है द मेडिकल साइंस चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान जो है इज स्टिल अभी भी प्राइम हार्ड बहुत हार्ड कोशिश कर रही है बहुत डिफिकल्ट कोशिश कर रही है टू इरेडिकेट कि एड्स को जड़ से पूरी तरीके से खत्म किया जा सके इरेडिकेट मीन्स जड़ से खत्म करना तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी भी साइंस बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को खत्म करने के लिए आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर जो कि है पॉइंट फिफ्थ मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के साधन जो कि साइंस के द्वारा दिए गए हैं एग्रीकल्चर के साधन कृषि के साधन जो कि साइंस के द्वारा दिए गए हैं साइंस के अंतर्गत खोजे गए हैं साइंस हैज इन्वेंटेड साइंस के अंतर्गत खोजे गए हैं मेनी मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर कई सारे साधन एग्रीकल्चर के कृषि के कई सारे साधन साइंस के अंतर्गत खोजे जा चुके हैं यूज ऑफ फर्टिलाइजर का जैसे कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर का उपयोग बेटर क्वालिटी सीड्स अच्छे क्वालिटी के सीड्स हैज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो कि बढ़ाते हैं बेटर क्वालिटी सीड्स हैज इंक्रीज्ड जो बढ़ा चुके हैं क्या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन फसलों का उत्पादन बढ़ा चुके हैं एंड ब्रॉट इन अ ग्रीन रेवोल्यूशन और ला चुके हैं हमें कहां तक ग्रीन रेवोल्यूशन तक हरित क्रांति तक ला चुके हैं एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट फिफ्थ है मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के साधन जो कि साइंस के अंतर्गत दिए गए हैं साइंस हैज इन्वेंटेड साइंस के अंतर्गत खोजे जा चुके हैं मेनी मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत कई सारे अनेक साधन खोजे जा चुके हैं किसके एग्रीकल्चर के यूज ऑफ फर्टिलाइजर जैसे कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर ये खोजा जा चुका है साइंस के अंतर्गत फर्टिलाइजर का उपयोग बेटर क्वालिटी सीड्स अच्छे क्वालिटी के सीड्स खोजे जा चुके हैं साइंस के द्वारा हैज इंक्रीज्ड जो कि बढ़ाते हैं अच्छे क्वालिटी के सीड्स क्या करते हैं हैज इंक्रीज्ड जो कि बढ़ाते हैं या बढ़ा चुके हैं क्या प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं एंड ब्रॉट और हमें ला चुके हैं कहां तक इन अ ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति तक ला चुके हैं न्यू टूल्स नए उपकरण या नए औजार लाइक जैसे कि ट्रैक्टर हार्वेस्टर हैव मॉडर्नाइज्ड ट्रैक्टर और हार्वेस्टर ये ऐसे नए टूल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को क्या कर दिए हैं मॉडर्नाइज कर दिए हैं आधुनिकीकरण ला दिए हैं कृषि पे एग्रीकल्चर पे न्यू टूल्स नए औजार जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर हैव मॉडर्नाइज कर दिए हैं आधुनिकीकरण कर दिए हैं आधुनिकीकरण कर दिए हैं किस में कृषि पे एग्रीकल्चर पे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन हिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें